नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार के 5 रोमांटिक और खूबसूरत शहर के बारे में। वैसे तो बिहार में घूमने योग्य कई जगह हैं। बिहार पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यहाँ भी हर साल देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। बिहार में घूमने के लिए कई धार्मिक जगह भी है और कई पौराणिक जगह भी है। इन सब के अलावा यहाँ कुछ ऐसी जगह भी है जो कपल्स के बीच काफी ज्यादा चर्चित है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार के कुछ रोमांटिक शहरों के बारे में। ये शहर शादीशुदा लोगों के बीच काफी ज्यादा फेमस है। देश विदेश के कपल्स बिहार के इन रोमांटिक जगहों पर घूमने के लिए आते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोधगया के बारे में। बोधगया बिहार का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ प्रकृति का अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। यह बिहार का एक शानदार जगह है जहाँ अक्सर देश विदेश के हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। बोधगया में ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह शहर गया रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बोधगया शहर को बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना गया है। यहाँ का सुनहरा वातावरण और हरियाली पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। अब बात करेंगे बिहार के राजगीर शहर के बारे में। राजगीर की प्राकृतिक सौंदर्य ही ऐसी है जो किसी का भी मन मोह ले। यहाँ प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। राजगीर शहर भी कपल्स के बीच काफी ज्यादा फेमस है। राजगीर में भगवान बुद्ध की भव्य मंदिर भी है। राजगीर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली देखने को मिलते हैं। बिहार में पर्यटन की दृष्टि से राजगीर को एक बहुत ही शानदार शहर माना जाता है। राजगीर में गर्म कुंड भी है जहां स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां के गर्म कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। राजगीर एक बेहद ही शांत जगह है और घूमने के लिए लोगों की पसंदीदा शहर भी है। यहां चारों तरफ फैले घने वन और उसकी हरियाली किसी का भी मन मोह लेने में सक्षम है। यही कारण है कि राजगीर को बिहार के रोमांटिक शहरों में से एक माना जाता है। अब बात करेंगे पटना शहर के बारे में। पटना बिहार की राजधानी है और पर्यटन की दृष्टि से पटना का भी अपना एक अलग ही क्रेज है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। यहाँ चिड़ियाघर, गोलघर, इको पार्क, पटना सिटी सहित कई ऐसे जगह हैं जहाँ घूमने के लिए देश विदेश के पर्यटक आते हैं। पटना में शादीशुदा जोड़े भी घूमने के लिए आते रहते हैं। यहाँ का दृश्य भी लोगों का मन मोह लेता है और यही कारण है कि पटना को भी बिहार के रोमांटिक शहरों में शुमार किया जाता है। पटना में कई मंदिर है जो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे देश में फेमस है। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर भी उनमें से एक है। अब बात करते हैं वैशाली शहर के बारे में। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली है, साथ ही इसे भगवान बुद्ध की कर्म स्थली के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की हवाओं में भक्ति की लहर है। यहाँ चारों तरफ खेत, खलिहान और हरियाली से भरा वातावरण है। वैशाली में ही विश्व शांति स्तूप भी है। वैशाली कई मनोरम दृश्यों को अपने आप में समेटे हुए है और यही कारण है कि यह शहर पर्यटकों के दिलों में बसता है। विश्व शांति स्तूप के पास ढलते सूरज को देख अपने आप में बेहद खूबसूरत अनुभव होता है। अब बात करते हैं सासाराम शहर के बारे में। सासाराम को बिहार के खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर की पहचान है शेरशाह सूरी का मकबरा। यहाँ की प्राकृतिक दृश्य आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। देश भर से पर्यटक सासाराम शहर घूमने के लिए आते हैं। सासाराम को रोहतास की पहचान माना गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप भी इन जगहों पर घूमने के लिए गए हैं तो अपना अनुभव हमें जरूर बताएं। वहीं यदि आप भी बिहार के किसी ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जो अपनी खूबसूरती के कारण लोगों के बीच में मशहूर है तो उसके बारे में भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।